तुला राशि जुलाई 2018। आज का ये वीडियो है राशि चक्र की सातवीं राशि तुला राशि के लिए जुलाई 2018 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले बेसिक जानकारी तुला राशि की आपको दे दें तो तुला राशि जो है वो राशि चक्र की सातवीं राशि है, वायु तत्व की राशि है और पश्चिम दिशा की मालिक है। इस राशि के अधिपति ग्रह शुक्र है। इस राशि में शनि उच्च के होते हैं और इस राशि में सूर्य नीच के होते हैं। तुला राशि में जन्मे हुए जातकों का जो नाम है वो र एवं त के ऊपर से रखना चाहिए। और तुला राशि कैसे बनती है तो तुला राशि जो है वो हर राशि के अंदर जो नक्षत्र आते हैं उसके 9 पद आते हैं। तो चित्रा नक्षत्र के तीसरे एवं चौथे पद, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण यानी कि 3 पद ऐसे मिला के ये तुला राशि बनती है। अब जो चित्रा नक्षत्र है ये नक्षत्र के जो अधिपति हैं वो मंगल हैं। तो तुला राशि एवं चित्रा नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी जातक हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जमीन इत्यादि व्यवसाय से कनेक्टेड हो सकते हैं, मेडिकल में भी हो सकते हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, ऐसे कारोबार से कनेक्टेड हो सकते हैं। स्वाति नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी जातक हैं तुला राशि वाले ये बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी हो सकते हैं। तो ये अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उनका कार्य हो सकता है, ये कुशल व्यापारी हो सकते हैं। और तुला राशि एवं विशाखा नक्षत्र के 3 चरण में जन्मे हुए जो भी जातक हैं ये अच्छे कोच हो सकते हैं। कोच कोई भी फील्ड के अंदर हो सकते हैं यानी कि टीचिंग या प्रोफेशन का कार्य कर सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में या कॉलेज में ही पढ़ाते हो, ये स्पोर्ट्स के भी कोच हो सकते हैं, ये कोई भी फील्ड के अंदर चेस का भी कोचिंग कार्य करते हो या पायलट को भी ट्रेनिंग देते हो, कोई भी फील्ड के अंदर एक्टिंग का भी कोचिंग करते हो, तो कोई भी फील्ड के अंदर कोच का जो कार्य है ये विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं उनको ज़्यादा सूट करता है। तो ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। पर्टिकुलरली जो आज का ये वीडियो है वो जुलाई महीना 2018 का प्रत्येक तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से दसवें स्थान के अंदर हो रहा है और दसवें स्थान में शुक्र का भ्रमण कर्क राशि के अंदर आपके लिए बहुत शुभ है। बिजनेस में, करियर में आप एक्सपेंशन करने वाले हैं, जॉब के अंदर भी आपका प्रोग्रेस रहता है, अपर लेवल से आपका एप्रिसिएशन रहेगा। लास्ट 1-2 महीना जो आपने हार्डशिप फेस किया था जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, यहाँ पर आपका उसको रिवॉर्ड मिलेगा, आपका बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होता है। पहले जो आपका बिजनेस लोअर लेवल पे जा रहा था अब आपका बिजनेस ये अपर लेवल की ओर जाने की तैयारी है। तो बिजनेस में, करियर में इम्प्रूवमेंट के लिए ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। 5 जुलाई तक शुक्र का जो भ्रमण है वो कर्क राशि में है, दसवें स्थान के अंदर है और 5 जुलाई से शुक्र चलेंगे सिंह राशि में यानी कि आपकी राशि से 11वें स्थान के अंदर और ये आपके बिजनेस को एकदम अपलिफ्ट करने वाले हैं, ऊपर ले जाने वाले हैं। तो बिजनेस करियर के एक्सपांशन के लिए आज का ये जो जुलाई महीना है 2018 का
ये आपके लिए बहुत शुभ हैं। मित्रों से भी लाभ रहेगा, संतान रिलेटेड आपके कार्य हो सकता है, संतानों के भी प्रोग्रेस होता है, तो शुक्र का जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत अच्छा है। लव मैटर में भी सक्सेस देने वाले बनेंगे। जो भी जब तक पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी पढ़ाई में प्रोग्रेस होता है, क्योंकि राशि से ग्यारहवें स्थान के अंदर राशि के अधिपति जो ग्यारहवें स्थान में है तो आपके लिए डेफिनेटली लाभ करने वाले ही है। बात करेंगे प्रेडिक्शन में सब ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपके जन्म के चंद्र कुंडली में 7 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी तुला राशि है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके तुला राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों तुला राशि में है, यानी कि अमावस्या या तो दिवाली के आसपास आपका जन्म हुआ है आसो महीना की, तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो बात करते हैं सूर्य ग्रह की ट्रांजिट के बारे में, ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भी भ्रमण है वो आपकी राशि से 9वें स्थान के अंदर है, मिथुन राशि में है। 16 जुलाई 2018 तक सूर्य का जो भ्रमण है वो राशि से 9वें स्थान में है, भाग्य स्थान के अंदर है। भाग्य स्थान में सूर्य आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। पर्टिकुलरली डिटेल में जाएंगे सूर्य के नक्षत्र फल से, हम देखेंगे कि आपको सूर्य का प्रत्येक नक्षत्र के अंदर 13-13 दिन का जो फल है वो आपको कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो 22 जून से लेकर 6 जुलाई तक आद्रा नक्षत्र में चलते हैं। तो भाग्य स्थान में आद्रा नक्षत्र में चलने वाले सूर्य आपके लिए बहुत शुभ हैं, आपको एब्रॉड रिलेशन या एब्रॉड कनेक्शन से बेनिफिट करवाएंगे। हालांकि सूर्य जब भाग्य स्थान में चल रहे हैं तो आपके जो शनि है वो सामने चल रहे हैं पराक्रम स्थान में। यहाँ पर सूर्य शनि का टकराव हो रहा है जिसके कारण खास करके वंस अगेन आपको बता देते हैं, जून के वीडियो में भी बताया है, उस इस वीडियो में भी आपको बता देते हैं कि 16 जुलाई 2018 तक सूर्य और शनि का आमने सामने ट्रांजिट। सूर्य यहाँ पर आद्रा नक्षत्र में है और वहाँ पर शनि मूला नक्षत्र में है, तो दोनों श्वान योनि के अंदर है। ये खतरनाक कॉम्बिनेशन सूर्य और शनि का आमने सामने आपको रिलेशनशिप में टकराव करवाएंगे, खास करके अपने ब्रदर सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ। तो ये जगह पे आपको खास करके केयर करना होगा। नए साहस के अंदर भी थोड़ा सा चिंता टेंशन तनाव आ सकता है, तो उसमें भी आपको केयर करना होगा। 16 जुलाई 2018 को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और चलेंगे कर्क राशि में। तो 10वें स्थान के अंदर चलने वाले सूर्य आपके लिए बहुत शुभ हैं, राजयोग कारक हैं, सरकार से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होता है, तो करियर को एक नई हाइट मिलने वाली है ये 16 जुलाई 2018 के बाद। लेकिन नक्षत्र के हिसाब से जो फल है वो इस प्रकार है, जैसे हमने बताया कि 22 जून 2018 से 6 जुलाई सूर्य आद्रा नक्षत्र में चलेंगे, वो भाग्य में तो वृद्धि करने वाले हैं लेकिन रिलेशनशिप के अंदर खास करके आपको टेक केयर करना होगा अपने ब्रदर सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ। और 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक सूर्य चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। आद्रा के बाद जो नक्षत्र हैं पुनर्वसु, सूर्य हर नक्षत्र के अंदर 13 दिन चलते हैं, तो 6 जुलाई से 20 जुलाई तक सूर्य चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। ये नक्षत्र का 13 दिन का जो भ्रमण है तुला राशि एवं स्वाति नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं इनके लिए बहुत शुभ है। आपके जो बिजनेस है कारोबार है वो बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है, बहुत बहुत बड़ा बिजनेस आपके हाथ में आने वाला है,
नया एक्सपेंशन होने वाला है, कुछ ना कुछ आपको तरक्की मिलने वाली है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पदोन्नति की जाएगी, आपको एक नई हाइट मिलने वाली है कैरियर के अंदर, क्योंकि पुनर्वसु जो नक्षत्र हैं वो गुरु का नक्षत्र है। और यदि आप तुला राशि के स्वाति नक्षत्र के सूर्य वाले जातक हो, यदि आप तुला राशि के स्वाति नक्षत्र चंद्र के नक्षत्र वाले हो, तो आपके लिए बहुत शुभ समाचार है। ये 13 दिन का जो पीरियड है, 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का, इसमें आपको एक जबरदस्त हाइट मिलने वाली है करियर के अंदर। इन समय के दरमियान खास करके आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा। जब सूर्य बदल जाते हैं, कर्क राशि में जाते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में खास करके पिता के साथ, माता के साथ और इन लॉज के साथ थोड़ा सा अहम का टक्कर हो सकता है जॉब में अपर लेवल के साथ, लेकिन यहाँ पर आप एडजस्ट कर जाएंगे। खास करके जो 5 जुलाई से 20 जुलाई का जो पीरियड है, वो तुला राशि एवं चित्र नक्षत्र वाले जो जातक हैं, इनके लिए थोड़ा चिंता टेंशन वाला होगा, क्योंकि आपके लिए विपत नक्षत्र में चलेंगे, तो जिसके चलते हुए थोड़ा सा अपर लेवल आपको टेंशन कॉन्फ्लिक्ट आपके बढ़ा दें, ऐसा हो सकता है। और विशाखा नक्षत्र वाले जो भी जातक वाले हैं, उनके लिए ये सूर्य का जो फल है वो इतना ज़्यादा चिंता वाला नहीं है, लेकिन स्वाति नक्षत्र में जन्मे हुए जो भी जातक हैं, इनके लिए सूर्य का फल अधिक शुभ है, ज़्यादा शुभ है। सूर्य 20 जुलाई के बाद चलेंगे 3 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में। तो पुष्य नक्षत्र में 13 दिन का जो पीरियड है आपके लिए, ये भी बहुत शुभ है। यदि आप इंडस्ट्रियल कार्य से कनेक्ट, आपकी कोई इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, आपका जो कुछ भी काम है, मशीनरी का काम है, लोहे का काम है, लकड़े का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो सब कारोबार के अंदर आपके तरक्की आने वाली है, आपका बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होता है। हालांकि खास करके आपको अपनी हेल्थ के बारे में विशेष केयर करना होगा इन समय के दरमियान, क्योंकि सामने मंगल और केतु श्रवण नक्षत्र में चल रहे हैं, और मंगल का जो भ्रमण है वो 27 जुलाई तक श्रवण नक्षत्र में है, और 27 जुलाई से मंगल वक्री होकर चलेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो जो कोई भी जातक हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अपनी हेल्थ के बारे में विशेष केयर करना होगा 16 जुलाई 2018 के बाद, क्योंकि राहु और सूर्य का ग्रहण योग बनता है 10वें स्थान में, और सामने मंगल और केतु है 4वें स्थान के अंदर, अंगारक योग भी बनता है और ग्रहण योग भी बनता है सूर्य की दृष्टि से। तो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य कर रहे हैं तो जल्दबाजी में ना करें, बहुत सोच समझ के आगे बढ़े, अन्यथा आपके साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। पुष्य नक्षत्र में जब सूर्य चलेंगे 20 जुलाई से 3 अगस्त तक का जो पीरियड है, ये भी करियर को एक नई हाइट देने वाला होगा, और कार्यक्षेत्र के अंदर आप अद्भुत प्रगति करते जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये करियर के लिए एक बहुत इम्प्रूवमेंट का समय है आपके लिए। यदि आप चित्रा नक्षत्र वाले हैं तो भी आपका प्रोग्रेस तो होना है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन दबाव में प्रोग्रेस होगा। वो स्वाति नक्षत्र वाले जो भी जातक हैं, इनका खुल के प्रोग्रेस होता है। बात करेंगे प्रेडिक्शन में आगे, अभी गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु आपकी राशि के अंदर ही चल रहे हैं, जो आपके लिए शुभ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं, आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले हैं, संतानों का प्रोग्रेस होता है, दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ती है। जो भी जातक अविवाहित हैं उनको विवाह के योग बनते हैं, और ये आपके लक में फेवर करने वाले हैं। शनि आपके पराक्रम स्थान में हैं, जो आपको नए साहस करवाएंगे, लेकिन 16 जुलाई तक का समय आपको, जैसे बताया, वन सेकेंड बता दें कि आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा अपने ब्रदर्स सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ। राहु केतु का भ्रमण 10वें एवं केतु राहु 10वें स्थान में एवं केतु 4थे स्थान के अंदर है, तो ये रिलेशनशिप के अंदर खास केयर करना होगा अपने माता पिता के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, मैरिड है तो इन लॉज के साथ, ये सभी जगह पे आपको केयर करना होगा।
और खास करके आपको डेट्स केयर करना है इस प्रकार 9, 10 और 11, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे तुला राशि वाले के लिए चंद्र चलेंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ के जो चंद्र हैं आठवें स्थान के चंद्र बनते हैं, आठवें चंद्र में आपको पानी से बचना होगा, व्हीकल ड्राइविंग केयर करना होगा, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। और डेट सबको केयर करना है 17, 18 और 19, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कन्या राशि में। तो कन्या के जो चंद्र हैं वो भी राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 12वें चंद्र में आपको जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, कोई भी लाइफ का इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, इन शॉर्ट। तो ये था प्रेडिक्शन तुला राशि के लिए जुलाई 2018 का। और 16 जुलाई 2018 को जब सूर्य क्रांति करेंगे इसको बोलेंगे कर्क संक्रांति। तो कर्क संक्रांति में जो पुण्यकाल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर सूर्यास्त तक, क्योंकि जो सूर्य बदलते हैं राशि रात को 10:25 को, तो संक्रांति का जो पुण्यकाल रहेगा 16 जुलाई दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को सूर्यास्त तक। संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए है कि संक्रांति काल में जो कुछ भी आप दान पुण्य मंत्र करते हो उसको आप उसका आपको विशेष सुफल मिलता है। तो उन समय के दरमियान आप अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करें, महत्तम पक्षियों को दाना डालें, गाय को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, बिल्ली को खिलाएं, सब पशु पक्षियों को खिलाएं, पानी पिलाएं, गरीब लोगों में भी दान कर सकते हैं अन्न और वस्त्र का। ये सब कुछ करने का पॉसिबल नहीं है तो मंत्र करें ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देवी या देवी का ध्यान करें, तो संक्रांति का पुण्यकाल जो है वो आपको विशेष लाभदायी रहेगा। और यदि आप अपना पर्सनल होरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि नंबर है 9998011838। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप, गूगल प्लस इत्यादि माध्यम से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं चैनल के ऊपर, और साथ में बेल का आइकन बटन भी दबाएं ताकि हमारी चैनल की ओर से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। गणेश जी, माता जी, हनुमान जी आपको हर कार्य में सहाय करें, आपका प्रोग्रेस हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आने वाला समय आपका शुभ हो, ऐसी शुभकामना के साथ नरेश एस्ट्रोलॉजर का जय गणेश।